सो दोस्तों, अगर आपके पास Realme 8 या फिर Realme 8 Pro मोबाइल है और आपको नहीं पता है किस तरीके से इसमें किसी भी ऐप्स को हाइड करते हैं और उसको कैसे देखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को यहाँ पर हाइड कर पाओगे और उसको देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है, तो नीचे जाने के बाद ऐप लॉक आपको मिल रहा है, ऐप लॉक पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐप लॉक पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। हो सकता है यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली पासवर्ड डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी ऐप को यहाँ पर हाइड करना है उस पर सिंपली एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों यानी कि जिस भी ऐप को आपको हाइड करना है सबसे पहले उसको लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम को यहाँ पर जो है हाइड कर लेता हूँ। क्रोम पर मैंने क्लिक किया और ऊपर ऐप लॉक का ऑप्शन है, इसको मैंने इनेबल कर दिया, और नीचे आ गया हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सेट एक्सेस कोड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों इस कोड को इसलिए जो है आपको सेट करना पड़ेगा जिससे कि आप हाइड हुए ऐप्स को आप देख पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हैज लगाना है, उसके बाद 4 अंकों का कोई भी आपको पासवर्ड बना लेना है, और उसके बाद फिर से आपको हैज लगा देना है। तो हैज लगाने के बाद दोस्तों ये पासवर्ड आपका बन जाएगा, ऊपर आपको डन कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डन का, तो फिर से आपको डन कर देना है। अब आपका काम हो चुका है दोस्तों, जिसको भी आपने अभी हाइड किया था यानी क्रोम को हाइड किया था, तो वो ऐप जो है आपका हाइड हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए वो क्रोम जो है नहीं है। तो इसको आपको देखने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने डायलर में, और डायलर में वही वाला कोड आपको यहाँ पर जो है डायल करना पड़ेगा, #000। मैंने 00 लगाया था, तो आप कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद फिर से हैज लगा दे, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने क्रोम को हाइड किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी ऐप को यहाँ पर हाइड कर सकते हो और उसको यहाँ पर जो है शो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।